ये देखिए कैलेंडुला को मैंने रिपोर्ट किया, मैंने तीनों ही प्लांट कर लिए हैं, कल ज़्यादा अंधेरा हो गया इसलिए नहीं दिखा पाई आपको। ये देखिए फ्रेंड, मैंने एक कश्मीरी रोज की रिपोर्टिंग अपनी क्यारी में कर दी, शाम हो गया है। ये देखिए अब यहाँ पे बहुत अच्छे से चलेगा। और ये देखिए अलावांडो को भी मैंने कर लिया ये सीमेंट के पॉट में। अब ये प्लांट कभी नहीं जाने वाला मेरे गार्डन से, बहुत प्यारा सा प्लांट है, बहुत अच्छी येलो कलर की इसमें फ्लावरिंग होती है। ये देखिए ग्राउंड फ्लोर पे ही ये मेरा गमला है, यहाँ ये करी पत्ता है, इसमें मॉर्निंग ग्लोरी देखिए ये ग्रिल पे चढ़ेगा, और इसी में मैंने अपराजिता के सीड डाले थे, देखिए कितना हेल्दी सा इसके सीड निकल आए हैं, अभी इसी में चलेंगे। ये देखिए मैं सूखी पत्तियां ऐसे कलेक्ट कर करके रखती हूँ, और ये रोज ही मेरे गार्डन से नहीं, मेरे आंगन से बाहर एक अमरूद का झाड़ है, वहाँ से इतना तो रोज ही निकल आता है। ये देखिए जो मेरे किचन वेस्ट से खाद रेडी हुए हैं, ये देखिए ये मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर से एक बोरी में थोड़ी सी भर के लाई हूँ, ताकि मैं किसी किसी पॉट में यूज कर पाऊँ, कोई नया पॉट बना पाऊँ। देखिए इसका कलर देखिए, हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका किरण की फुलवारी में। आ गई हूँ मैं शाम को अपने गार्डन में काम करने, अपने प्लांट से मिलने और आप सबसे अपनी चीज़ें शेयर करने। ये देखिए कितना प्यारा प्यारा सा रंग बिरंगा मेरा गार्डन, कलर की कोई कमी नहीं है मेरे गार्डन में। अभी तो स्टार्टिंग है समर की, और प्लांट्स की जो प्रूनिंग हुई है तो उनमें अभी फ्लावरिंग भी नहीं हो रही है, जब सारे फ्लावरिंग करेंगे तो और भी कलरफुल हो जाएगा मेरा गार्डन। तो ये देखिए बालसम, तो मैं बहुत आसान तरीके से और केमिकल फ्री गार्डनिंग करती हूँ। ये जितने भी मेरे से जुड़े हुए हैं पहले से फ्रेंड्स, उनको पता है, और जो नए हैं उनको भी बता दूं, बहुत टेक्निकल तरीके से मैं गार्डनिंग नहीं करती, मेरा कोई भी काम बहुत नाप तोल के नहीं होता। मैं जब जब मेरे को जैसे जैसे टाइम मिलता है, मैं प्लांट्स को फर्टिलाइज करती हूँ, रिपोर्ट करती हूँ। रिपोर्टिंग का एक मेथड पता होना चाहिए सबको, कि रिपोर्टिंग बारिश में करनी चाहिए, ठंड में कर सकते हैं, गर्मियों में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, फरवरी मार्च के महीने में करें भी तो हमेशा किसी भी सीज़न में रिपोर्टिंग करें तो शाम के टाइम करें, 5 बजे के बाद करें, ताकि रात भर में, क्योंकि कोई भी प्लांट रिपोर्टिंग के बाद थोड़ा सा शौक में चला ही जाता है, तो रात भर में वो अच्छे से सेट हो जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, इन छोटी छोटी चीज़ों का। तो ऐसी एक छोटी सी चीज़ मैं और भी आपसे शेयर करने वाली हूँ आज, कि मेरे पास खुद ही टाइम नहीं रहता, और बहुत ऐसे हैं, अधिकांश 99% लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम, अपने गार्डनिंग का शौक़ है पर दे नहीं पाते, समय नहीं रहता, बहुत काम होता है इंसान के लाइफ में, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो मेरा गमला रेडी करने का तरीका तो सबको पता ही है, कि मैं नीचे के किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट ये सब डालती ही हूँ, और उसके बाद पॉट भरती हूँ। तो वैसे भी मेरे प्लांट्स को बार बार फर्टिलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन किसी भी प्लांट को अच्छे से फ्लावरिंग या फ्रूटिंग करने के लिए मिट्टी का एसिडिक होना बहुत ज़रूरी है, उसका पीएच लेवल सही बना रहे तो हमको कोई टेंशन नहीं रहती, प्लांट्स बहुत अच्छे से चलते हैं।
तो पीएच लेवल को मेंटेन रखने के लिए, एसिटिक बनाए रखने के लिए एक बहुत ही आसान सा तरीका मैं आप बताती हूँ, जो सबके घरों में आसानी से मिल जाता है, और वो है ये देखिए, ये है फिटकरी। ये मैं गार्डन टूल्स के साथ रखती ही हूँ। ये देखिए, इसको आप पानी में घोल के भी आप अपने प्लांट्स पे अप्लाई कर सकते हैं, और इसको पीस के पाउडर फॉर्म में भी आप मिट्टी में ऐड कर सकते हैं। और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता तो मैं इतने छोटे छोटे टुकड़े करके, ये देखिए, ये रोज़ मेरा खिल रहा है, ये रोज़ प्लांट है, इसमें मैं देखिए इसके मिट्टी में देखिए ऐसे करके इसको दबा देना है। रोज़ वाटरिंग होगी, वो धीरे धीरे घुल घुल के मिट्टी में ऐड होता रहेगा, तो इससे वो मेंटेन रहेगा, ज़्यादा भी नहीं होगा, और घुल घुल के रोज़ उसमें वाटरिंग तो करते ही हैं तो जाता रहेगा। तो ऐसी एक एक टुकड़ा आप लेके, मतलब जितने भी आपके प्लांट हैं फ्लॉरिंग वाले, फ्रूटिंग वाले, तो उनमें आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी इनकी मिट्टी पे आप गड़ा दीजिए। मैं ये करती हूँ तो मैं आपसे भी शेयर कर रही हूँ कि ये ट्राई करके देखिए। तो बार 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 आपको प्लांट्स को फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और घरों से निकले हुए जो किचन से निकलते हैं वो तो निकलते ही हैं, फेंकने के बजाय हम यही सोचते हैं कि उनको कलेक्ट करके रखें लिक्विड फर्टिलाइज़र, और उनको अपने गार्डन में अप्लाई करें, और मैं वही करती हूँ। तो अब गर्मी आ गई है, कम से कम एक सप्ताह का अंतराल रखें लिक्विड फर्टिलाइज़र डालने के लिए भी, भले वो नेचुरल ही क्यों ना हो, सप्ताह में एक बार डालें तो बहुत अच्छे से आपका गार्डन मेंटेन रहेगा। तो ओके फ्रेंड, कैसी लगी ये मेरी छोटी सी शेयरिंग? पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, और जो भी पहली बार हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाएं। तो ओके फ्रेंड्स, बाय।